हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साफ्लानर। पे केमी अच आशा कैर निश्चित रूप तुम्हें भल थ जो जो पिलार फर्मेटिव एसेसमेंट वन परीक्षा सर जा तुम निश्चित रूप भल थी आशा करो मैं सरनी तो से बेस्ट अफ लक से आम सहित जोड़ी रुंतु आम सहित प्रिपेयर करूँ आप निश्चित रूप भल करेंगे। ओके पे आज जो भिडियो जो क्लास करवा तो किसी विज्ञान पे कि इंपोर्टेंट एमसीक्यू को आलोचना करवा जहाँकि तुम फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन समेटिव एसेसमेंट वन और समेटिव एसेसमेंट टू ए समस्त परीक्षा में प्रजोज्य अटे। पे मन रख तुम नवेम्बर मसर शेष सप्ताह समेटिव एसेसमेंट वन हम जो थे मार्क आसो पे 50 मार्क क्वेश्चन आसो प्रति सब्जेक्टर आउ ए समस्त 50 मार्क क्वेश्चन पे केवल केवल एमसीक्यू प्रश्न आसो बुझिपार एमसीक्यू प्रश्न अगर कौन प्रश्न आसो ना आई प्रश्न गुड़क पे बोर्ड या कर तुम स्कूल सार या करेंगे ना आ सारा ओडिशा गोटे समय हम ए प्रकार जिन फॉर्मेटिव एसेसमेंट कौ स्कूल हो स्कूल लेट रे हो प्रकार हो प्रकार सिचुएशन तुम फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन रे देखा पाव ना। ओके पे मैंने जो मैंने आम चैनल पर न्यू व्यूअर होती यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर दियो पाखे जो बेल आइकन अच्छे दबाई दियो देन ऑल नोटिफिकेशन मतलब क्लिक कर। ओके पे मैंने तो चलो क्लास स्टार्ट करवा देख किसी प्रश्न पे मैंने तुम्हें नहीं आसी जहाँकि तुम समस्त परीक्षा पर प्रजोज्य अटे तो कहीं मतलब वीडियो को स्किप न कर स्टार्टिंग एंड पर्यंत आम समस्त मिसिकी देखा आउ एग्जाम को प्रिपेयर करवा आउ समस्त मतलब पे कमेंट करवा बुझिपार्छ पे पे तुम वर्तमान रेगुलर क्लास मॉर्निंग 8:15 AM रे इवनिंग 8:30 PM रे बुझिपार्छ ना आगुरी 8:45 AM थिला बुझिपार्छ पे 8:45 AM थिला जोटा कि 8:15 AM हो कहीं तो किसी पे मैंने असुविधा जोटा कि कहले मत सर आमको टाइम हो पाऊनि क्लास कर पाऊन तापर गोटे भोटिंग कराई आम टेलीग्राम ग्रुप जो ग्रुप प्राय मैक्सिमम पिला कहे 8:15 सर रखुद बोली तो टाइमिंग टे पछ कराला 8:45 बदल में 8:15 AM। ओके पे मैंने तो आज प्रतिदिन 8:15 AM मॉर्निंग क्लास हम इवनिंग क्लास 8:30 PM बुझिपार्छ पे मैंने तो ये दुई टाइम समस्त अटेंड करने चेस्टा कर आउ रेगुलरली मेंटेन कर इमीन ना जे गोटे क्लास कर आ गए क्लास करना बेले किसी फायदा ना बुझिपार्छ ना रेगुलर क्लास करने चेस्टा कर। हाउ चलो तो क्लास स्टार्ट करवा समस्ते जो भी प्रश्न पचार हम समस्ते कमेंट बक्स में कमेंट कर देख पे एक नंबर प्रश्न कहगला NaCl प्लस AgNO3 बाहर AgCl आउ NaNO3 बाहर पे यह क्यों प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया संश्लेषण ना विस्थापन ना अवक्षेपण ना जारण विजारण तो पे यहाँ क्यों प्रकार एक प्रतिक्रिया कमेंट कर कौन हम पे राइट आंसर पे मैंने यहाँ हूँ एक प्रकार अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहीं पे आपको आम अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहे जेहेतु यटार एक अवक्षेप एक पदार्थ तले मंड आकार बस अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह के प्रक्रिया प्रतिक्रिया ताप शोषी अटे कलुचूर्ण सह जलर प्रतिक्रिया ना प्राकृतिक ग्यास्र दहन ना मार्बलर तापीय विघटन ना गाढ़ अम्लर जलर मिश्रण तेरे पे आ भितर कौटा के प्रतिक्रिया ताप शोषी अटे ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कौटा पे मैंने पे मैंने राइट आंसर होची ऑप्शन सी मार्बल तापीय विघटन होची एक प्रकार तापशोषी प्रक्रिया। नेक्स्ट निम्नलिखित लवण गुड़िक मध्य क्योंटी पे अम्लीय अटे अम्लीय क्यों लवणटा अम्लीय कॉपर सल्फेट ना सोडियम क्लोराइड ना ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट ना पोटेशियम नाइट्रेट तो आ भितर पे मैंने कौटा अम्लीय अटे कौट हम पे अम्लीय पे राइट आंसर होची ऑप्शन ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट CuSO4 तो कॉपर सल्फेट हूँ एक अम्लीय लवण अटे। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट जलीय द्रवण पीएच पे मैंने के सोडियम सल्फेट जलीय द्रवण जार संकेत हूँ कौन Na2SO4 बुझिपार्चना पे मैंने Na2SO4 तो सोडियम सल्फेट जलीय द्रवण पीएच पे मैंने के 8, 7, 6 ना शून तो पीएच के आस पे शीघ्र शीघ्र कमेंट कर सोडियम सल्फेट जलीय द्रवण पीएच के आस पे राइट आंसर होची ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्यों धातु उच्च संक्षारण प्रतिरोधी? ओके, तो क्यों धातु पे मैंने उच्च संक्षारण प्रतिरोधी अटे? आलुमिनियम ना जिंक ना मैग्नीशियम ना कॉपर? तो क्यों धातु पे मैंने उच्च संक्षारण प्रतिरोधी अटे? पे राइट आंसर होउछे ऑप्शन ए आलुमिनियम। तो आलुमिनियम होउछे एक उच्च संक्षारण प्रतिरोधी अटे। नेक्स्ट, सूचकीय रासायनिक समीकरण पे मैंने कौटार सूचना मिले? सूचकीय रासायनिक समीकरण रु ऑप्शन ए वस्तुत्व, ना ऑप्शन बी मौलिक परमाणु संख्या, ना ऑप्शन सी प्रतिकारक, ना ऑप्शन डी भौतिक अवस्था। तो सूचक सूचकीय रासायनिक समीकरण पे मैंने कौटा सूचना मिले? कौटा मिले पे मैंने राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी मौलिक परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड द्रवण को सोडियम सल्फेट द्रवण में मिसाइले क्यों वर्णर अवक्षेप सृष्टि हुए? बेरियम क्लोराइड यहाँ हूँ पे बेरियम क्लोराइड द्रवण को सोडियम सल्फेट द्रवण में मिसाइले, ओके, जोड़ा बाहर कौन बेरियम सल्फेट बाहर गोटे आठ सोडियम क्लोराइड बाहर, तो जो भी अवक्षेप बाहर सीटा कौ प्रकार रंग रही थी? धला रंग ना हलदिया रंग ना बादामी रंग ना लोहित रंग? कौ रंग रही थी पे सॉरी पे राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए धला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट लघु लवणाम्ल सह प्रतिक्रिया घटले क्यों गैस उत्पन्न हुए? सोडियम कार्बोनेट जितेबले लघु लवणाम्ल सहित प्रतिक्रिया करिबो तो कौ गैस बाहर? कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना क्लोरीन गैस? तो कौ गैस बाहर पे पे राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे टमाटरे क्यों अम्ल थाए? टमाटरे कौ अम्ल थाए पे? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टाटारिक अम्ल ना ऑक्सैलिक अम्ल? टमाटर पे क्यों अम्ल थाए पे मन रख, अम्ल कौन कर ना नील लिटमस पेपर को ब्लू रंगर लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर रेड्रे, तो से ही टमाटर तो कौ प्रकार अम्ल था? आंसर होउछि ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल। ओके पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सोडा अम्ल निया लिभा जंत्र क्योंटी व्यवहार कर जाए? खाइबा सोडा मैंने कौ सोडा निया लिभा जंत्र व्यवहार करा होउछि पे पे मन रख, निया लिभा जंत्र को इंग्लीश कह एक्सटिंग्विशर। ओके, नेक्स्ट देख, तो कौ सोडा निया लिभा जंत्र व्यवहार होउछि? खाइबा सोडा ना धोइबा सोडा ना ब्लीचिंग पाउडर ना ब्राइन? आ भितर पे कौ सोडाटा यूज होया लिभा जंत्र पे राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए खाइबा सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे केउंटी पुष्टिसार जातीय खाद्य नुहे? पुष्टिसार जातीय खाद्य नुहे फल रस, पनीपरिया, माछ मांस, डाली सोयाबीन ना छेना क्षीर? तो पे आ भितर कौटा पुष्टिसार जातीय खाद्य नुहे कौटा हम पे पे राइट आंसर होउछि फल रस और पनीपरिया। ये जाक होउछि श्वेतसार जातीय माने फल रसटा तो ओबियसली श्वेतसार आसिबो, पनीपरिया जाक माने विटामिन भी आसी पारे, किंतु माछ मांस डाली सोयाबीन छेना क्षीर होउछि ए जाक पुष्टिसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे कहल के उक्तिटी ठीक नुह? कौ स्टेटमेंटा ठीक नुह? चयापचय जीव शरीर में सबल चल थाए, बंची रहा खाद्यर आवश्यकता न थाए, चयापचय जीव को सक्रिय जीवंत रखे साहय करे, शक्तिमोचन एक अपचय प्रतिक्रिया अटे, अपचयर उदाहरण अटे। तो पे आ भितर कौ स्टेटमेंटा ठीक नुह कौटा हम पे राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी बंची रहा खाद्यर आवश्यकता ना, यहाँ तो पूरा भूल अटे नहीं कि शरीर में क्यों खाद्य सार चर्बी भाव में संचित हो रही कहल? आम कौ प्रकार खाद्य खाले ताम शरीर में चर्बी आकार जमा हुए? श्वेत सार, स्नेह सार, पुष्टि सार, धातु सार? कौटा हम पे राइट आंसर हो पे ऑप्शन बी स्नेह सार। स्नेह सार आम शरीर में चर्बी आकार जमा हुए। शरीरर आयन संतुलन रक्षा करिबारे कहार प्रमुख भूमिका रही? शरीर आयन संतुलन रक्षा करने धातु सार,
ना जीवसार ना पुष्टिसार ना श्वेतसार तो कार पे मैंने भूमिका रही कौट हम पे राइट आंसर पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन है धातुसार। धातुसार द्वारा पे आम शरीर में आयन संतुलन रखाई थाए। नेक्स्ट देख पे कौटा रासाय श्लेषण बैक्टेरिया उदाहरण अटे रासाय श्लेषण बैक्टेरिया नाइट्रेट बैक्टेरिया विब्रियो कलेरी बैक्टेरिया साल्मोनेला टाइप बैक्टेरिया माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस तो आ भितर पे कौटा रासाय श्लेषण बैक्टेरिया उदाहरण अटे कौटा हम पे राइट आंसर होची ऑप्शन ए नाइट्रेट बैक्टेरिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख अम्लजान अनुपस्थित होता शोषण को कौन कहुए अम्लजान अनुपस्थित जो शोषण होता आम वायु उपजीवी कहवा ना वायु अपजीवी कहवा ना रेचन कहवा ना जनन कहवा तो वायुर सरी अम्लजान अनुपस्थित जो शोषण प्रक्रिया संपादित होता है आम कौन कह पे राइट आंसर ऑप्शन बी वायु अपजीवी शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा कहले पे कोषर के ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया संपादित होता है कोष जीवक ना कोष भित्ति ना कोष प्राचीर ना माइटोकॉन्ड्रिया तो क्यों पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया संपादित होता है पे राइट आंसर होची ऑप्शन ए कोष जीवक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख ग्लाइकोलाइसिस प्रथम सोपान में कौन हुए पे एटीपी एडीपी रूपांतरित हुए ना एडीपी एटीपी रूपांतरित हुए ना पाइरुविक अम्ल अणु दुईट ग्लुकोज परिणत हुए ना ग्लुकोज अणु दुईट पाइरुविक अम्ल में परिणत हुए तो पे ये चार्ट ऑप्शन भितर कौ ऑप्शन आग हो ग्लाइकोलाइसिस प्रथम सोपान रे पे राइट आंसर होची ऑप्शन डी ग्लुकोज जोटा कि सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स जार संकेत अटे यहाँ कौन होना दुईट पाइरुविक अम्ल में तीन कार्बन विशिष्ट दुईट पारिविक अम्ल में परिणत होती तो ऑप्शन डी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गोटे एटीपी अणु भांगिकी एडीपी आउ जो पीआई रे परिणत हेले केते जूल शक्ति बाहर दस दशम पाँच जूल कोड़े दशम पाँच जूल तीस दशम पाँच जूल ना चालीस दशम पाँच जूल तो केते जूल पे शक्ति बाहर पे राइट आंसर होता ऑप्शन सी तीस दशम पाँच तो मन रख गोटे एटीपी जो भांगुची से तीस दशम पाँच किलो जूल शक्ति बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों उक्ति ठीक उक्ति बाछली कही ग्रसनी एक पेशीबहुल नली अटे ग्रसनी पछ कांथ दुई जोड़ा टनसिल अच्छी टनसिल एक लसिकाव अंग टनसिल एक लसिकाव अंग नुहे श्वास नल द्वारा को गलाटी कहुए तो पे आ भितर कौटा राइट स्टेटमेंट अटे अत गोटे ठीक थी आउ तीन टा भूल थी तो कौटा हम पे राइट आंसर पे राइट आंसर होची ऑप्शन ए ग्रसनी एक पेशी बहुत बहु नली अटे बुझिपार पे मैंने श्वासन नल पे द्वार को कहुए ना ग्लटिस कहुए कौटा को खाद्य नल द्वारा को ग्लटिस कहुए ओके पे तो ये प्रश्न राइट आंसर होची ऑप्शन ए तो पे ये प्रकार आम कोड़े प्रश्न देखिले जहाँकि तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट वन समेटिव असेसमेंट वन समेटिव असेसमेंट टू ए समस्त परीक्षा प्रजोज्य अटे तो पे जब वीडियो भल लगे निहत रूपए गोटे लाइक कर निज़ सांगसाथी भितर सेयर कर आ चैनल को जब सब्सक्राइब करना यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर आप अधिक जो जोड़े चाहते आम सहित तेज आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अच्छी आप ग्रुप लिंक क्लिक करूँ और ग्रुप जॉइन हूँ। ओके पे धन्यवाद।